ये बात है 9 फरवरी सन 2024 की, जब बहराइच नेपालगंज रोड मीटर गेज ट्रेन नेपालगंज रोड रेलवे स्टेशन से अपने लास्ट रन के लिए निकलती है। तो उससे पहले उसका लोको रिवर्सल हुआ। दोस्तों, ये वो तारीख थी जिस दिन सन 1885 से चली आ रही मीटर गेज रेलवे लाइन का साम्राज्य नेपालगंज बहराइच रूट पर ख़त्म हो जाता है। और वर्तमान समय तक ये ऐसा रूट था जो बाई ट्रेन नेपाल को भारत से जोड़ता था। हालांकि मीटर गेज रेल लाइन को बंद करके ब्रॉडगेज तो ज़रूर किया जाएगा, लेकिन जहाँ पर लगभग 138 वर्ष तक जिन YDM-4 लोकोमोटिव्स ने राज किया, उनका साम्राज्य आज 9 फरवरी को नेपालगंज रोड से ख़त्म हो जाता है। और किसी दुल्हन की तरह सजाकर इस ट्रेन को लास्ट रन के लिए विदा किया गया। और ये लोको यहाँ से डिटैच होकर अपनी दूसरी तरफ जाकर इस ट्रेन में अटैच होगा, और यहाँ से ये ट्रेन अपने लास्ट रन के लिए नेपालगंज रोड स्टेशन से चलेगी। हालाँकि बहराइच से लगभग 3 बजे के करीब एक ट्रेन यहाँ पर आएगी, लेकिन उस ट्रेन को सवारियाँ लेकर नहीं भेजा जाएगा। सिर्फ ये ट्रेन एक लास्ट ट्रेन ऐसी थी जो नेपालगंज रोड रेलवे स्टेशन से सवारियाँ लेकर बहराइच के लिए निकली थी। जिस रूट पर कभी कोयले से चलने वाली ट्रेनों का साम्राज्य और उसके बाद में YDM-4 लोकोमोटिव्स का साम्राज्य फैला हुआ था, आज एक धुंधली यादों की तरह ये ट्रेन इतिहास के पन्नों में विलीन होने वाली थी। तो नेपालगंज रोड रेलवे स्टेशन से ये लोको लास्ट बार डिटैच होकर अपने आखिरी सफ़र पे निकलने वाला था। तो इस खूबसूरत क्षण को अपने कैमरे में कैद करना तो बनता था। फिलहाल जब मैं यहाँ के रेलवे ऑफिशियल्स के पास बैठा था, तो मैंने उनके साथ में बातें की और इस खूबसूरत से रेल सेक्शन के बारे में उनके साथ में मैंने काफ़ी सारी बातें करके उनका एक्सपीरियंस जाना कि किस तरह से इस रेल सेक्शन के ऑपरेशन में उन्हें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता था या उनके एक्सपीरियंसेस कैसे थे। तो उन्होंने बताया कि एक लंबा अरसा इस रेलवे रूट पर बिताने के बाद अब उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल इतिहास में बदलने जा रही इस मीटर गेज के साथ बिताए हुए पल उन्हें बहुत याद आएंगे। फ़िलहाल सबके चेहरे पर जो मायूसी थी उसे साफ साफ देखा जा सकता था कि किस तरह से इस मीटर गेज रेल सेक्शन के बंद हो जाने से अब जो 2-2.5 साल का समय बीतेगा, उस खालीपन को भरना कितना मुश्किल होगा। और जब ये मीटर गेज की रेल सेक्शन के जो स्टेशंस हैं, जब इन्हें तोड़ा जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक लंबा अरसा इनके साथ में बिताया हुआ वक्त तो बहुत याद आएगा। और साथ ही साथ नेपालगंज से अब सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए ही आप आगे आने वाले 2-2.5 सालों में ट्रैवल कर पाएंगे। और उसके बाद में जब ब्रॉडगेज की ट्रेन्स चालू होंगी, तो उनमें यात्रा करने का जो एक्सपीरियंस होगा वो यहाँ की मीटर गेज रेलवे से बिल्कुल ही अलग होगा। खैर, इस मीटर गेज रेल रूट के बारे में करने को तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी यादें हैं, लेकिन बहुत सारी यादों और बातों को सिर्फ एक वीडियो में जाहिर नहीं किया जा सकता। तो अब मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ और अब आप इस लोको का अटैचमेंट इन्जॉय कीजिए और वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। फिलहाल इस अटैचमेंट का पार्ट मैंने सिर्फ अलग से रिकॉर्ड किया था आप लोगों के लिए, और अब मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक नीचे प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और मैंने नेपालगंज से बहराइच के लिए इस लास्ट रन की जर्नी भी की थी, उसका वीडियो मैं अपने अगले अपलोड्स में पोस्ट करूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था और अब मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपका दोस्त हरप्रीत, अपने अगले वीडियो में नानपारा से बहराइच तक की जर्नी लेके आपसे जल्दी मिलता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू। और अब इस क्लिप में देखिए कि कैसे इस लोको को यहाँ से अपने लास्ट रन के लिए सजाया जा रहा है। और अब ये ट्रेन नेपालगंज से अपने लास्ट रन के लिए बहराइच निकलेगी। तो इसका वीडियो मैं अपने अगले अपलोड्स में ज़रूर से पोस्ट करूँगा। और फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।